जो कांग्रेस उनको नकार रही है उनके बारे में किरण मैसूर जी क्या कहेंगे? ओपिनियन पोल तो पूरे देश के सामने आ ही गया है और इस एग्जिट पोल के अंदर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गई है बात कि बीजेपी जो है वो 300 करे देश को 75 साल पूरे होंगे आज़ादी के और उस समय इस देश के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका खुद का मकान नहीं होगा, पीने के पानी की योजनाएं हम पहुंचाएंगे, एजुकेशन हम लोग देंगे, स्वास्थ्य के योजनाएं चालू करी आयुष्मान भारत, तो इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो सारी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आने वाले 5 साल में मिलेगा और इसलिए देश के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है, देश की उन्नति के लिए, देश सुरक्षित रहे, देश आगे बढ़े और दुनिया के अंदर देश प्रथम पंक्ति पर आए, इस नाते जो मोदी जी का प्रयास जारी है उसके अंदर जनता ने इस बार अक्रॉस पार्टी लाइन, सब भूल गए कि हम कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, सब भूल गए कि हम कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं, लेकिन जाति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठकर और मोदी जी के साथ में लोग खड़े हुए, इसलिए जो एग्जिट पोल आया है वो बहुत सही आया है और मैं समझती हूँ कि 300+ तो केवल बीजेपी रहेगी और जहाँ तक हम लोग NDA का सवाल है वो 370 क्रॉस करेंगे, इस प्रकार का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। मैडम, जिस तरह से राजस्थान में चोइस से और बीस के बीच में जो बीजेपी के ओपिनियन पोल बता रहे हैं उसको कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा में जिस तरह से हमने मार दी है उसी तरह राजस्थान में वापस बीजेपी को मार देंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सही है, अगर वो सपने देखते हैं तो ठीक है लेकिन यथार्थ ये है कि आज अगर हम लोग देखें तो 6 महीने हुए हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट को आए राजस्थान के अंदर और जितने वादे उन्होंने किए थे उन सब वादों का वादा खिलाफी कर, पूरा जो डेवलपमेंट है वो पूरा रुक गया है, एक तरह से ग्रहण लग गए, हमारी सारी सड़कों के काम चल रहे थे वो सारे रुक गए, जहाँ पर गिट्टी बिछ गई थी वो गिट्टी उठा दी गई है, जहाँ सारी सोल हो गया था रोड्स उनके ऊपर डामर लगाना था वो डामर नहीं हुआ, तो सारे विकास के काम रुक गए। इसी प्रकार जितनी योजनाएं थी भामाशाह योजना वगैरह ये सब योजनाएं बंद, आज ये स्थिति हो गई है, जो किसानों को उन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे ऐसा जो वादा उन्होंने किया था वो वादा खिलाफी करी, एक भी किसान का किसी का कर्जा माफ करें, तो 6 महीने में कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई, जो कांग्रेस ने 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव के समय जो वादा किया था उसमें एक भी वादा वो उन्होंने पूरा नहीं किया और इसी का रिजल्ट है कि जितना लोग उनके अगेंस्ट में हो गए और आज ये जो पोलिंग हुई है और जो कांग्रेस को लगता है कि हम 6 महीने पहले जीते थे और आज भी हम जीत जाएंगे वो बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 6 महीने पहले वादा करके, झूठे वादे करके और वो सत्ता में उन्होंने हत्याया है, सत्ता में आकर और झूठे वादे करके वो सत्ता में आए और वो सारी हवा निकल गई है, अब किसी तरीके के कोई काम नहीं हो रहे, इसलिए लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं आना है और मोदी जी जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, अगर उन्होंने किसानों के लिए योजना बनाई किसान जनधन योजना तो 6,000 जो सालाना किसान को देना है उसके बीज और खाद के लिए वो पैसा किसान तक पहुंचना शुरू हो गया, जो आयुष्मान भारत की योजना बनी वो आयुष्मान के कार्ड लोगों के घरों में आने शुरू हो गए, जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनने शुरू हो गए, तो मैं समझती हूँ कि मोदी जी एक वो व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है, कांग्रेस वो पार्टी है जो कहती कुछ है और करती कुछ है, उन्होंने विकास की बात कही और विकास को रोका, उन्होंने किसान को कर्जा माफ़ करने की बात कही और किसान के ऊपर और ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, इसलिए लोगों का भ्रम बिल्कुल टूट गया है और कांग्रेस के नेताओं को भी अपना भ्रम छोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस किसी तरीके से आएंगी राजस्थान में वापस, अब तो ये स्थिति है कि हम लोग पिछली बार 2014 में भी 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और अब 2019 के चुनाव में भी राजस्थान में 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बस पर रहने वाली है और यही नहीं, हम लोग को देश भर के अंदर बहुत सारे चुनावों के अंदर मेरा जाना हुआ और उसमें जो चीज़ें देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छा मैसेज है लोगों के बीच में, मोदी जी के संदर्भ में लोग